फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो रोबोट की तरह। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को जनरली बहुत सारे बुक में इसका ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है, मतलब इसमें बोला कि कोई सलूशन ही नहीं है, तो इसको आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अब ये कहता है कि आपको इक्वेशन दिया हुआ है और इसमें से कौन सा सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट करेगा, तो हम सबको पता है कि जो एक्सलेशन ए होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, एक्सलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ओमेगा एक पॉजिटिव कॉन्स्टेंट है ओमेगा स्क्वायर, एक्स एक्सलेशन जो है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होगा, माइनस साइन बता रहा है, इट वेरी इंपॉर्टेंट, और एक्स की जो पावर होती है हमेशा प्लस वन होती है, एक्स की दूसरा कोई पावर होगा तो एसएचएम नहीं होता है, सिंपलेस्ट ऑसिलेशन एसएचएम होता है, सबसे सीधा सबसे सबसे आसान जिसकी पावर वन हो वो एसएचएम होता है, तो निगेटिव साइन होना तो जरूरी है, मतलब ये कभी एसएचएम रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये इम्पॉसिबल है कि कभी एसएचएम रिप्रेजेंट करे, भाई इसमें जिधर एक्सलेशन है उधर डिस्प्लेसमेंट ही है, पार्टिकल उधर चलता चला जाएगा यार, वापस ही नहीं आएगा, ये भी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, एक्स की पावर टू आ गया ये भी कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, इसके चांस बनते हैं, लेकिन ये थोड़ा अजीब तरह के लिखा हुआ है। अब एक्सलेशन ए इज इक्वल टू माइनस सम कॉन्स्टेंट ओमेगा को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ एक्स, ये जो एस एच एम है वो बता रहा है कि मीन पोजीशन से मैं स्टार्ट होता हूं और मेरा मीन पोजीशन ओरिजिन है जो कि हमारा सिलेबस होता है, तो यहां से जाऊंगा एम्पलीट्यूड प्लस ए इधर और एम्पलीट्यूड माइनस ए इधर, इधर जाऊंगा फिर आऊंगा रुक नहीं पाऊंगा फिर वापस आ जाऊंगा ये, लेकिन अगर एक्स में कुछ प्लस एड होता है तो मीन पोजीशन शिफ्ट हो जाती है और एसएचएम तभी भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो इक्वेशन है अगर x में प्लस एड हुआ है तो मीन पोजीशन जो पहले यहाँ ओरिजिन पे था 0,0 पे, वो मीन पोजीशन कहीं इधर प्लस a शिफ्ट हो गया होगा, ये मीन पोजीशन बन गया होगा, मीन पोजीशन निगेटिव x एक्सिस में शिफ्ट हो गया होगा प्लस a, तो SHM तो अभी भी है पर मीन पोजीशन चेंज हो गया, तो a ऑप्शन SHM को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलो नेक्स्ट।